नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर सबसे पहले जाती हैं, फिर उसके बाद अचानक से ये खबरें आती हैं कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती से दिल्ली में अचानक मुलाकात भी होती है। फिर उसके बाद से एक सबसे बड़ी खबर आती है जो इस वक्त की है, अब वो ये है कि प्रियंका गांधी ये ऐलान करती हैं कि कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। यानी जो अटकलें, जो शक के आधार पर जो चर्चाएं हो रही थी, वो सब अब दूर हो गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या अकेले का रास्ता अपनाना क्या यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी को, इसके साथ साथ कांग्रेस को जीत दिला पाती है या नहीं। अनुजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है, सबसे पहले अखिलेश यादव के साथ तस्वीर आना, उसके बाद जयंत चौधरी और उसके बाद मायावती, तो लोगों को शक हुआ और ये चर्चाएं होने लगी कि अब जो है कांग्रेस का इन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकता है। लेकिन वो सिरे से खारिज हो गया तब जब प्रियंका गांधी ने ये ऐलान कर दिया अनुजा कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या ये एक दिखावा है या वाकई में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा? देखिए, ये सारी चीजें जो है पहले भी कही जाती रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये पहले भी जो है बातें सामने आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन बहरहाल बता दूं कि अचानक से जो है पहले अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी जो है फ्लाइट में मिलती है, उसके बाद फिर जयंत चौधरी से जो है वो एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है, अब मायावती से, तो लगातार जो वो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म होने लगता है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहरहाल लेकिन कई पार्टीज जो है जैसे सपा बसपा है, ये लोग इन लोगों ने छोटे दलों के साथ जरूर गठबंधन करने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक जो है वो अकेले ही नजर आ रही है, किसी के साथ गठबंधन करती हुई नहीं दिख रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही अनुजा, सबसे पहले जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, तस्वीरें आई, फिर जयंत चौधरी से, हमने तमाम चीजों पर सवाल पूछा, आपने बाखूबी बताया कि इसके क्या मकसद हैं, लेकिन उसके बाद आज अचानक से दिल्ली में मायावती से मुलाकात होना, क्या इशारा कर रहा, किस, अगर राजनीति मायने से माना जाए, सियासत मायने से माना जाए, तो क्या इशारा कर रही है ये तस्वीरें? देखिए, अगर मैं बताऊं तो पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जो है वो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, और इसी वजह से जो है इस बार सपा की मैं बात करूं तो पीछे हट गई है, वो छोटे दलों के साथ जो है गठबंधन करना चाहती है लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं करना चाहती है। बसपा की मैं बात करूं तो जी हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो नुकसान जरूर होगा कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी जरूर चाहेगी कि किसी के साथ गठबंधन हो जाए उनकी पार्टी का। हाल अभी काफी समय है और धीरे धीरे ये चीजें जरूर साफ हो जाएंगी चुनाव से पहले कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है वो किसके साथ गठबंधन करेगी। लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि प्रियंका गांधी शांति से नहीं बैठी हैं, वो चाहती हैं कि पार्टी मजबूत हो, और इसी वजह से गठबंधन का रास्ता वो तलाशती हुई दिख रही है, रास्ता दिख रही है। लेकिन एक सवाल और है अनुजा आपसे, अब वो ये जो बहुत सवाल तो बहुत गहरा है, देखते हैं जवाब अब क्या रहता है और दर्शक आप इस पर क्या राय देते हैं आपकी। सवाल ये है कि अभी तमाम चैनल जो हैं, बड़े स्ट्रीम मीडिया जो हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, एसपी नई न्यूज़ ने भी सर्वे किया, तमाम तस्वीरें आपने देखा जवाब, तो जब महिला या फिर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब पसंद किया गया सी वोटरों से कि कौन है सबसे इस रेस में चेहरे में, तो सीएम योगी, अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका गांधी को ही कंपेयर किया गया, तो आज भी योगी जी ही सबसे एक नंबर पर हैं, और प्रियंका गांधी जिसकी लहर आप बताती हैं, आंधी बताती हैं, उनके प्लान बनाते हैं, फॉर्मूले बताते हैं आप कि बहुत खतरनाक है, लहर है, इस बार कुछ करिश्मा हो सकता है, वो प्रियंका गांधी सबसे तीसरे नंबर पे आ रही हैं, सबसे लास्ट नीचे पैदान पे आ रही है, क्या वजह हो सकता है? देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँ कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो उस वक्त जो है अगर ये सर्वे किया जाता तो शायद प्रियंका तीसरे नंबर पर भी नहीं आती। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे मुझे लगता है ये आंकड़ा भी बदल जाएगा, क्योंकि अभी अगर प्रियंका गांधी तीसरे पायदान पर है तो वो दिन भी दूर नहीं है जब वो दूसरे पे जाएंगी, फिर वो पहले नंबर पर जाएंगी। लेकिन जी हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो ये मान लिया जाए कि प्रियंका गांधी भले ही अभी सी वोटरों के सर्वे में तीसरे नंबर पर जो है निचले पायदान पे पसंद की गई हैं, लेकिन फिलहाल जो लहर है जिसकी बात करते हैं प्रियंका गांधी को लेकर, जिस तरह से उनके फॉर्मूले हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर ऐलान किया है, बतौर महिलाओं का समर्थन मिलते हुए मान लिया जाए कि प्रियंका ही पहली पसंद है।
कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो लगातार जो है वो महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जो है अपनी बातें रखती हैं, महिलाओं के लिए जो है कई घोषणाएं भी करती हुई नजर आती हैं। तो इन दिनों महिला वोटर्स जो है वो जरूर प्रियंका को जो है पसंद कर रही हैं। धीरे धीरे प्रियंका जो है कई जिलों में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो कह सकते हैं कि प्रियंका ने शुरुआत तो कर दी है और धीरे धीरे इसका परिणाम भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, मुझे लगता है कि प्रियंका कई जिलों में जा चुकी होंगी, कई लोगों से मिल चुकी होंगी, और जो कहते हैं ना कि प्रियंका की लोकप्रियता वो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं अनुजा आपसे, और जानने की कोशिश करते हैं कि ठीक आज से हम लोगों ने 200 डिबेट कर लिए होंगे, सिर्फ बात कर रहे थे कि अब यूपी चुनाव में किसका माहौल बन रहा है, किसका चांस बन रहा है, किस पार्टी का दबदबा है। बाखूबी आपने बताया कि अभी बोलना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने बताया। लेकिन अब जो हालात बने, अब तो 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, तमाम पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं, दिग्गज नेता भी उतर चुके हैं। तो एक तरफ अमित शाह जी रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, तीसरी तरफ अखिलेश यादव, चौथी तरफ जो है मायावती। तो अब क्या तस्वीरें लग रहा है आपको कि अब किसका पलड़ा भारी है, किसका चांस ज्यादा बन रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त मैं ये जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार रैलियां जो है अब शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आते हैं, अमित शाह दौरे पर आते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ कई दौरे करते हुए नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि जो पहले बीजेपी पार्टी जो है लेट से चुनावी दौरे शुरू की, लेकिन अब जो है बीजेपी की लहर एक बार फिर से देखने को जरूर मिल रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो है पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और इस बार जो है वही रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है। प्रियंका की बात करूं तो एक महीना से जो प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है वो कंटिन्यू ही है। सपा बसपा की बात करूं मैं तो अखिलेश यादव भी अब जो है कई जगहों पर दौरे करने के लिए जाते हैं और वहां पर चुनावी सभा भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि इस रेस में जो है वो अब सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पहले शांत थे, अब उन लोगों की भी जो है इसमें एंट्री हो गई है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि एंट्री सभी की हो गई है, लेकिन अब कौन पहले पायदान पर है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले, इससे पहले की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले ही जो है वो दौरे शुरू कर दिए थे, तो कांग्रेस पार्टी पहले पायदान पर चल रहा था। लेकिन अब मैं बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के जो है कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो चुनावी दौरे पर आ रहे हैं, और इसमें, इस दौरे में जो है, इस कार्यक्रम में जो है कई भीड़ भी इकट्ठा होती है। तो कह सकते हैं कि अब कहीं बीजेपी ना आगे निकल जाए कांग्रेस से, ये अभी चल रहा है कि आगे पीछे, और अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि आखिरकार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। एग्जैक्टली, तू डाल डाल मैं पात पात वाली जो है कहानी इस वक्त यूपी चुनाव में देखने को मिल रहा है। खैर, एक छोटा सा और सवाल अनु आपसे, अगर कांग्रेस जीती तो प्रियंका मुख्यमंत्री या कोई और? देखिए, अभी तक जो है इसका ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीतती हैं तो लगातार जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ये कहते आ रहे हैं कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये जरूर हो सकता है कि प्रियंका गांधी को ही इस पद की जिम्मेदारी दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अनुजा आपको। खैर, देखते हैं कि 2022 में क्या होता है, और प्रियंका गांधी ने बाखूबी आज ऐलान कर दिया कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। खैर, देखते हैं कि आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPNI News। नमस्कार।